टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस आजकल काफी चर्चा में है। चाहे मास रेजिग्नेशन यानी भारी संख्या में इस्तीफे की बात करें या भर्ती घोटाले की, ताजा खबर भी टीसीएस में हाल में हुए भर्ती घोटाले को लेकर ही है। इसे लेकर टीसीएस ने बड़ा फैसला लिया है, क्या है पूरा मामला, पूरी खबर बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल और सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हाल में हुए भर्ती घोटाले पर कंपनी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हुआ ये था कि फरवरी मार्च में विसिल ब्लोअर्स की तरफ से घूस के बदले नौकरी घोटाले में टीसीएस के एग्जीक्यूटिव के शामिल होने की शिकायतें मिली थी। कंपनी के ही एक विसिल ब्लोअर ने कंपनी के सीईओ और सीओओ को इस बात की जानकारी दी। इसमें आरोप लगाया गया था कि टीसीएस के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप आरएमजी के ग्लोबल हेड ईएस चक्रवर्ती वर्षों से यानी सालों से स्टाफिंग फर्मों से कमीशन ले रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला। इस शिकायत के बाद कंपनी ने जांच के लिए 3 एग्जीक्यूटिव्स की एक कमिटी बनाई। इसमें टीसीएस के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अजीत मेनन भी शामिल थे। हफ्तों तक हुई जांच के बाद टीसीएस ने रिक्रूटमेंट हेड को लीव पर भेज दिया, आरएमजी के 4 एग्जीक्यूटिव्स को नौकरी से निकाल दिया और 3 स्टाफिंग फर्मों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। कंपनी अभी भी इस बात की पड़ताल कर रही है कि नौकरियों में गड़बड़ियां कितने बड़े पैमाने पर हुई हैं। हालांकि रिपोर्ट्स बताते हैं कि स्कैम में शामिल लोगों ने कमीशन के जरिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की काली कमाई की है। चक्रवर्ती वाइस प्रेसिडेंट के रैंक के अफसर हैं और 1997 से टीसीएस में हैं, उन्हें दफ्तर आने से रोक दिया गया। हालांकि टाटा ग्रुप के चीफ ने साफ किया है कि आरएमजी डिवीजन कंपनी की कुल हायरिंग के 2-3% से भी कम संभालती है। इसी को देखते हुए अब टीसीएस ने एक बड़ा फैसला लिया है। टीसीएस ने इस मामले से जुड़े 6 एम्प्लॉयज को बैन कर दिया है। वही कामकाज के नैतिक तौर तरीकों का उल्लंघन करने के लिए 6 बिजनेस कारोबारी फर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा शिकायत की जांच एक बाहरी इन्वेस्टिगेटर से भी करवाई जा रही है। टाटा ग्रुप के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने गुरुवार को टीसीएस की 8वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ऐलान किया कि विसिल ब्लोअर के आरोप पर ध्यान देते हुए कंपनी ने भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की है। आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए उन्होंने और भी कुछ जरूरी ऐलान किया है। टाटा ग्रुप के चीफ एन चंद्रशेखर ने आगे कहा कि कंपनी आने वाले दिनों में अपनी सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस की समीक्षा करेगी, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे ऊपर है। साथ ही इसे और सख्त बनाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, कंपनी अब अपने एम्प्लॉयज की ईमानदारी और नैतिकता पर ज्यादा ध्यान देगी। चंद्रशेखरन ने कहा, किसी एम्प्लॉय से की जाने वाली सबसे बड़ी उम्मीद उसके किसी भी तरह के वित्त प्रदर्शन से भी ज्यादा उसकी नैतिकता और ईमानदारी होती है। ऐसे में जब एक भी कर्मचारी नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका दर्द होता है। कंपनी में लीडर्स पोजीशन पर बैठे सभी लोग इसका गंभीरता से ध्यान रखें और हमेशा ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करें। आपको बता दें कि टीसीएस में 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी 1,000 से ज्यादा थर्ड पार्टी रिक्रूट फर्म्स के साथ काम करती है। वहीं दूसरी तरफ आरएमजी डिवीजन में करीब 3,000 लोग काम करते हैं और ये नई भर्तियों समेत हर रोज प्रोजेक्ट्स के लिए औसतन 1400 इंजीनियर्स को हायर करता है। टीसीएस ने पिछले साल 27.93 अरब डॉलर रेवेन्यू हासिल किया था और इसके एम्प्लॉयज की तादाद 6,14,795 जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। स्कैंडल की खबर आने के बाद टीसीएस के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। आपको मैं जानकारी कैसी लगी कमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।